अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमने एजाज भाई से फरमाइश की चिकन कढ़ाई की और यही हमारा आज का व्लॉग है, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं इजाज़ अंसारी, आप जानते होंगे मुझे। आज भाई ने फरमाइश की थी चिकन कढ़ाई की, तो उनके लिए चिकन कढ़ाई बनाते हैं और साथ साथ आपसे बातें भी शेयर करते हैं। और मेरे साथ है किचन में मेरी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं भाई के साथ हेल्प कर रही हूँ, तो चले करते हैं शुरू। जब भी मतलब एक तो कुकिंग वो है ना, जो हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं चैनल के लिए, वहां बात और होती है। जब घर की कुकिंग होती है तो सब मिलके ही करते हैं, कटिंग कोई कर लेता है, कोई चिकन धो लेता है, इस तरह से काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो कढ़ाई बनाते हैं और इसके लिए ये प्रेशर कुकर यूज करेंगे। प्रेशर कुकर में काम जल्दी हो जाता है और नया है हमारे पास इसको। नया जब भी कोई भी बर्तन हम यूज करते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से पहले धोना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केमिकल्स वगैरह लगाए होते हैं काफी ज्यादा, तो इसलिए ये जरूरी होता है। अच्छा, प्रेशर कुकर का मैं आपको बता दूं, जो चिकन कढ़ाई होती है ना, उसका मतलब नाम चिकन कढ़ाई होता है, तो कढ़ाई में ही बनती है, ऐसा हरगिज नहीं है। कढ़ाई के अंदर बुनाई का जो काम है वो सही होता है, क्योंकि वो खुली होती है, वहां पे जो मॉइस्चर होता है वो ज्यादा चलता है, ड्राई होता है। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर अगर स्टार्ट करें ना, तो उसमें हमें बहुत आसानी हो जाती है और ये हेल्थ बेनिफिशियल भी होता है, ये भी मैं आपको बताऊं। तो इसको धो लेते हैं और फिर पकाते हैं अपना चिकन। तो कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, तो अब भाई आके ना कुकिंग करता है। अच्छा, हम लोगों ने आपसे पूछना था कि आप लोग ना हमें टॉपिक्स दें कि किस टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बनाएं, ताकि रेगुलर वीडियोस बन सके। इस तरह हम भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या टॉपिक हो जिसपे वीडियोस बननी चाहिए। तो आपने आज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएं। बन गई कढ़ाई? नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है इसे बनने में। तुम ऐसा करो कि फ्रेश नान ले आओ, साथ में सैलेड का थोड़ा सा सामान ले आओ। कौन कौन सा? खीरा, मूली, गाजर, ऐसे जो भी हो, जो भी इजी मिल जाए वो ले आओ, ताकि साथ में सैलेड भी हो, वो ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा मौसम था, सर्दी थी, ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था चिकन कढ़ाई खाने का। तो भाई एजाज को मैंने कहा कि आज हमारे लिए स्पेशल तौर पे चिकन कढ़ाई बनाएं, तो मेरे ख्याल में बनने वाली है और मैं जा रहा हूँ नान लेने के लिए। तो चलिए नान ले के आते हैं। कल यहाँ के लिए लेने हैं टेबल, साइड टेबल, काफ़ी शॉपिंग करनी है। आपको पता है, जब शॉपिंग करने जाते हैं, एक चीज़ लेने जाते हैं, 10 चीज़ें ले आते हैं। तो कल का हमारा व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें, क्योंकि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का पता चलेगा। और फ्रेंड, कल हमने 2-3 मार्केटें देखी हुई जहाँ हमने जाना है, घूमना है, शॉपिंग करनी है, यानी कि कल सारा दिन हमारा इसी चीज़ पे रहना है। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कल इंशाल्लाह आपको लेके चलेंगे फर्नीचर की शॉपिंग करने के लिए, और फर्नीचर की शॉपिंग करेंगे। खाना तैयार हो गया है, तो अब चलते हैं भाई के पास। तो आ जाए आप भी। हो गया खाना, बिल्कुल। आलू भाई लो। अब खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब हम इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।